असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, इसलिए परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में पोस्टिंग मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी। टोटल 1669 पोस्ट है, 1669 पोस्ट है और 36 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई है। सैलरी 75,000-80,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी, बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। सबसे पहले आप देख लें कि जो सब्जेक्ट्स हैं और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग पीडीएफ है। जितने यहाँ 36 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है, 36 पीडीएफ दिए हुए हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे आप डिटेल्स कवर कर सकते हैं। एक मैं केवल पीडीएफ ओपन करके आपको हाइलाइट्स शो कर देती हूँ वीडियो में। तो जो सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको पीडीएफ में, सेपरेट पीडीएफ में मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज सेपरेट पीडीएफ बने हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है 1 वैकेंसी है, जूलॉजी में 115 वैकेंसीज है, उर्दू में 19, वेदा में 1, स्टैटिस्टिक्स में 5 वैकेंसीज है, संस्कृत लिटरेचर में 1, सोशियोलॉजी में 80 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस में 118, साइकोलॉजी में 18, संस्कृत ग्रामर में 1, संस्कृत प्राच्य में 2, फिजिक्स में 115 वैकेंसीज है, संस्कृत में 17, म्यूजिक में 8, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 2, म्यूजिक वोकल में 2, पेंटिंग में 6, फिलोसफी में 12, एनवायरमेंटल साइंस में 1, मिलिट्री साइंस में 5, मैथमेटिक्स में 124, मराठी में 4, लॉ में 29, होम साइंस में 42, हिस्ट्री में 77, हिंदी में 116 वैकेंसीज है, जियोलॉजी में 7, ज्योग्राफी में 23, इंग्लिश में सबसे ज्यादा 200 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स में 104, डांस में 2, कॉमर्स में 124, केमिस्ट्री में, फिजिकल में 1, केमिस्ट्री 160, बॉटनी में 126 एंड 36 सब्जेक्ट टोटल हो गया। बायो केमिस्ट्री में 1, टोटल 1669, 1669 वैकेंसीज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC की तरफ से ये रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एडवर्टीजमेंट जितने भी आए थे ना अलग अलग सब्जेक्ट के, ये पहले ही आए थे 2022 में, बट उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, कुछ चेंजेस वगैरह किए गए और फिर से जो है एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन किया गया है। अब इसमें 36 सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पीडीएफ बना, जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए आप देखेंगे अलग से बना हुआ है, इसमें एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है, तो जिनको बायोकेमिस्ट्री की क्वालिफिकेशन चेक करनी है यहाँ पर देखें, एंड डेट है 13 अप्रैल, स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की शुरू हो चुकी है 5 अप्रैल से 13 अप्रैल, और एडिट करने का ऑप्शन वगैरह सारी चीज दी हुई है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको पीडीएफ। तो हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही जो है ना अलग अलग से दिया हुआ है, वो आपको चेक करना है। तो जैसे कि म्यूजिक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि वो म्यूजिक सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट से अलग है, तो क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए आपको इंडिविजुअल पीडीएफ को चेक करना पड़ेगा। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस से आपका मास्टर डिग्री है और बाकी आपने कुछ क्वालिफिकेशन ली है, तो एनवायरमेंटल साइंस वाली पीडीएफ सबके लिए 5 अप्रैल स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 13 अप्रैल ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि फॉर्म को रीओपन किया गया है, पहले ही फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसमें ये एक चीज लिखी हुई है कि जिन कैंडिडेट ने पहले ही अप्लाई कर लिया उनको एप्लीकेशन नहीं करनी है, पहले ही जिन कैंडिडेट ने अप्लाई कर लिया है उनको एप्लीकेशन नहीं करनी है। और यहाँ पे आपको जो है ना पीडीएफ की लिंक हमेशा मिलेगी, इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के लिए, पूरे 36 सब्जेक्ट्स के लिए, ऐसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एग्जाम 2022 लिखा है, लेकिन मैंने क्या बताया कि फॉर्म को रीओपन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, तो 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सभी सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे होम साइंस के लिए। इसी तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जितने सब्जेक्ट्स मैंने पहले आपको बताए बिगिनिंग में, उन सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पीडीएफ बनी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं केवल ऊपर, जैसे होम साइंस के लिए क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है, हिस्ट्री क्योंकि मेन सब्जेक्ट है थोड़ा, तो उसको चेक कर लेते हैं उसकी पीडीएफ। ये देखो पीडीएफ 24 पेजेस की हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनी हुई है। तो जैसे ये मेन पीडीएफ है जब ये आई थी उस वक्त,
ओरिजिनल जब भी आए हुए थे तभी, अभी तो रीओपन हुए ना, तो यही रहेगा मेन एडवर्टीजमेंट, यही है। इससे आप देख सकते हैं कि एज वगैरह का कुछ दिया है क्या, और ये सारी चीजें। परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा, तो क्योंकि एमपीपीएससी की तरफ से पब्लिक्स, तो वही मध्य प्रदेश जाना होगा। इसमें इस तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन सब हिंदी में लिखा है। तो अब देखें कैटेगरी वाइज अगर देखना है तो पेज नंबर 4 पे आप चले जाएंगे कि जनरल में कितनी सीट है, एससी में, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, टोटल कितनी सीट है, मध्य प्रदेश की डोमिसाइल है, अगर रेसिडेंशियल फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए कितना है, और मध्य प्रदेश के अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए कितना रिजर्व सीट है, ऐसा। यहाँ पर पद स्थिति साफ साफ लिख दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पद स्थिति मतलब स्थायी, मतलब परमानेंट है। 57,700 एकेडमिक लेवल 10, ये टोटल सैलरी 75,000, 80,000 स्टार्टिंग सैलरी बनती है। और पोस्ट है सहायक प्राध्यापक इतिहास। अब इसमें क्या बता रहे हैं क्वालिफिकेशन में कि रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट होना चाहिए, या फिर मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित सेट या स्लेट भी चलेगा, पीएचडी भी चलेगा, अभी तो पीएचडी को भी अलाउ कर दिया गया है। तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना फी वगैरह की भी डिटेल, आयु सीमा, हाँ मेन जो चीज है ना कि आयु सीमा कैसे देखें, 40 ईयर्स जो है आयु सीमा दी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और आयु सीमा जो है 40 वर्ष है ऊपरी आयु सीमा। अब इन्होंने जो अभी रीओपन किया, लेकिन आयु कैलकुलेट करने की, एज कैलकुलेट करने की डेट में चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये पीडीएफ थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, 2 ईयर्स जो है ना इनिशियली प्रोबेशन पीरियड, या फिर आप जिसे कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पूरी पीरियड में रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स अलाउड है या नहीं है, तो ये यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट में मेंशन कर दिया है पेज नंबर 7 पर। तो मुझे लगता है जो भी एडवर्टीजमेंट आप ओपन करेंगे पेज नंबर 7 पे आपको ये चीज यहाँ पर मिलने वाला है। क्या लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी को माना जाएगा, ठीक है। अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी अन आरक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा। तो मतलब अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उनको जो है जनरल में कंसिडर किया जाएगा। यूआर वाली जो सीट है ना अनरिजर्व, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी पीडीएफ पढ़ ले, क्या होता है ना बहुत सारी चीजें लिखी होती है। रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर्स तक जॉब रहेगी, 65 ईयर्स में इसके जो एग्जाम के सेंटर्स होंगे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, ये जो है ना इस पे, और सबके लिए सिलेबस मिल जाएगा आपको। सिलेबस वगैरह आपको यहाँ पर देखना होगा, कहीं पर दिया होगा सिलेबस भी। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो मैंने एक ओपन करके आपको बताया। बाकी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर देखिए तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022, लाइब्रेरियन 2000, इसमें लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी पोस्ट है। तो ये वाला आपको क्लिक कर लेना, इसी में सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। इसी से जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप कर पाएंगे मोस्टली, या एमपी ऑनलाइन, यहाँ पे ऑप्शन दिया ना एमपी ऑनलाइन पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन कर लें, या फिर विकीपीडिया से भी आप लिंक लेंगे तो चलेगा।